आज मैं जो सब्जी बनाने जा रहा हूँ वो सब्जी पता है क्या है, सब्जी मंडी पे भी मिलती है लेकिन मेरे घर के पास में मिलती है, मतलब पेड़ों पे उगती है, कहीं पे भी आसानी से। सहजन की फली जिसको कहते हैं, ड्रमस्टिक जिसको कहते हैं, सब्जी मंडी मिल जाती है लेकिन आसानी से आस पड़ोस में भी मिल जाती है। जब भी आपको मौका मिले जरूर बनाना। डायबिटीज हो गई या कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ज़रूर खाना। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ बूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनर्स किचन में। देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या चीज़ है और बहुत ही गजब की चीज़ है। अगर आप अपने परिवार वाले को सही में स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जब भी मौका मिले इसकी सब्जी या कुछ भी आप जूस भी बनाना चाहें तो उसको जरूर पिलाएं और ज़रूर बनाएं। इसको बोलते हैं सहजन या मुनगा या फिर ड्रमस्टिक। आपने मोस्टली देखा होगा बड़ी बड़ी सी मोटी मोटी सी आती है, जो वो क्या होती है बहुत ज़्यादा पक जाती है तो मिलती है। ये वाली आपको किसी पेड़ पे मिल सकती है, वो जो मोटी वाली मिलती है वो मोस्टली आपको सब्जी मंडी पे ही मिलेगी। जैसे भी आपको अवेलेबल हो आप उसको ज़रूर बनाएं। तो मेरे को मिली ये कच्ची कच्ची सी जिसकी सब्जी मैं बना सकता हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है, ये देखिए इसमें रेशे भी नहीं निकलेंगे। जो मोटे वाली होती है ना उसमें रेशे निकलते हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह से तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा रेशे निकलते हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कोई रेशा नहीं निकल रहा, आराम से टूट रही है। तो इसको हम आराम से सब्जी बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पहले इसका ये हेड हटाया ऐसे करके, उसके बाद ये टेल हटाया। तो तोड़ तोड़ के रख लीजिए इस तरह, उसके बाद में आगे काटेंगे हम। तो इसकी हेड एंड टेल हमने दोनों काट दी हैं, अब इसको काटते हैं छोटा छोटा। अब बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई आम फली की सब्जी बनती है ना सेम वैसे ही बनाना है, ना ये बहुत ज़्यादा छोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी है। सहजन की फली यहाँ पे कट चुकी है और अब इसको हल्का सा ब्लांच करेंगे, मतलब कि इसके जो पंजनेस होती है, हल्की सी बिटरनेस जो आती है ना वो निकालनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वो नहीं निकाली आपने तो एक हल्का सा कड़वापन आपको सब्जी में लगेगा। तो हल्का सा ब्लांच करेंगे। चलिए पानी में उबाल आ गया है, और कोई भी सब्जी आप उबालें या ब्लांच करें तो थोड़ा सा नमक डाल दें। ये जो फली हम इसमें डाल रहे हैं, हमारा मकसद यहाँ पर इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि इसकी जो पंजनेस है वो निकल जाए, इसलिए एक से दो उबाल उबालेंगे बस। तो यहाँ पे उबलते उबलते लगभग एक मिनट हुआ है और एक मिनट के बाद में हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं उबालना है। अब इसको खाली कर देता हूँ और ठंडे पानी से धो लेता हूँ। सब्जी का मसाला तैयार करने के लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 3 टमाटर हैं और 3 हरी मिर्च और लगभग 15 से 20 लहसुन हैं। अब आप कहेंगे इतना सारा प्याज और टमाटर की ज़रूरत क्या है? भाई प्याज का जो काम होगा ना यहाँ पे वो सब्जी की बिटरनेस को कम करने का होगा, और प्याज यहाँ पे चॉप नहीं करेंगे हम, यहाँ पे प्याज को हल्का सा स्लाइस लेंगे, टमाटर चॉप कर लेंगे और जो हरी मिर्च है और लहसुन है इन दोनों का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मीजा प्ला तैयार हो चुका है, प्याज स्लाइस हो चुके हैं, टमाटर चॉप हो चुके हैं और साथ में लहसुन और मिर्ची भी क्रश हो चुका है। तो चलिए अब फटाफट से कुकिंग कर लेते हैं। एक हैवी बॉटम की कढ़ाई यहाँ पे ले लिया है और 3 बड़े चम्मच तेल डाल रहा हूँ। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, सरसों का या वेजिटेबल ऑयल या फिर घी में भी बना सकते हैं। तेल यहाँ बढ़िया सा गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर 1 सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल दी है। हल्का सा कलर जब छोड़ने लग जाए ना तब ही हमको जीरा डालना होता है, तो 1 छोटा चम्मच जीरा। और जीरा जब तक तड़कने की आवाज़ थोड़ी कम ना हो जाए, ये देखिए यहाँ पे हल्की सी आवाज़ कम हो गई ना, अब डाल दो प्याज। एक आवाज़ आती है ना तड़का मारने में या भूनने में, जो आवाज़ आती है ये ज़ोर ज़ोर से जो आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्याज यहाँ पे हो गया है सॉफ्ट, मतलब ब्राउन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, प्याज को हल्का सा खड़ा ही रखना है, सॉफ्ट रखना है, ट्रांसलूट रखना है, क्योंकि इसका बाइट आना चाहिए खाने में। लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट था वो यहाँ पे डाल देते हैं, पहले एक बार स्टर कर लेते हैं इसको, और अब डाल देंगे टमाटर, टमाटर के बाद में नमक, इसको एक बार मिला लेते हैं, इसको कवर कर देते हैं, टमाटर भी गल जाएंगे और साथ में लहसुन और मिर्ची का जो फ्लेवर है सब्जी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं और टमाटर भी काफ़ी अच्छी तरह से गल गया है, लहसुन की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर। ढकने के बाद में लहसुन की स्मेल और भी अच्छी आती है, आजमा के देख लेना जब भी आप खाना बनाओ। मसालों में आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे कोई और मसाला हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ना धनिया, ना जीरा पाउडर, ना ही कोई गरम मसाला, सिर्फ ये 2 मसालों का गेम होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मसाले डाले तो जो सहजन की फली का टेस्ट है ना वो गायब हो जाएगा। मसाला डल गया है तो यहाँ पर गैस की आँच को बिल्कुल कम कर दिया है, थोड़ा ढक के इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाला देख लेते हैं कि पका नहीं पका, मसाला पक चुका है। यहाँ पे कैसे पता लगाया, एक तो ऑयल लूज आउट हो गया है और कलर कितना डार्क हो गया है देखिए। इसको बीच बीच में स्टर भी करना है वरना नीचे लग जाता है मसाला,
अब जो हमारी सहजन की फली हैं वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं और एक बार अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इस मसाले के साथ में सौते करते हैं। हीट को मैं मीडियम कर देता हूँ थोड़ी सी। अभी इसको मसाले के साथ में अच्छी तरह से भूनेंगे 2 से 3 मिनट। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट इस फली को मसाले के साथ भी अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसको पकने देते हैं। हल्का सा पानी डालेंगे हम, हल्का सा नाम का, जिससे कि नीचे लगे नहीं। इसको कवर कर देते हैं और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देते हैं। और बीच बीच में स्टर भी करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है वरना नीचे लग जाएगी क्योंकि सूखी सब्जी है। तो यहाँ पर लगभग 10 से 12 मिनट हो चुकी हैं। 10-12 मिनट में ये सब्ज़ी पक जाती है और बीच बीच में मैंने इसको स्टर भी किया है। बहुत ही गजब की लग रही है, देखिए प्याज कैसे लिपट रहा है इस पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसाला चिपक रहा है इस पर। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देता हूँ और अंत में डलेगा श्रद्धानुसार धनिया। इसमें कोई गर्म मसाला डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में पूरी सब्जी है। चलिए सर्व करते हैं इसको। ये सब्जी स्वाद में तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये मेरी फेवरेट भी है और साथ में ये सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखता है और डायबिटीज में भी काफ़ी अच्छा है। प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी रहती है इसमें। तो जब भी मौका मिले इसकी सब्जी ज़रूर बनानी चाहिए। किसी भी फॉर्म में आप इसको खाइए, ये सेहतमंद रहेगा।